मामू के साथ दोनों भांजे ने मामू को चित कर दिया। सही है पहनने में, साइज सही है दिखा। अभी ये तो रंग काट होएगा ये। अच्छा वैसे सही एग्जैक्ट कलर आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, ब्यूटीफुल डे के साथ ब्यूटीफुल व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, अभी अभी जो है वो मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ी थी और आप सबके लिए बहुत बहुत दुआ की। आप लोगों ने भी होप कि मेरे लिए दुआ की होगी, नहीं की तो अब से हमेशा नमाज में मुझे याद रखिएगा। और आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत 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 जुम्मा मुबारक हो। और दिन दिन ब दिन ऐसे गुजरे पता ही नहीं चलता। खैर लाइट ऑफ करें, बिजली के बिल ने भी बहुत परेशान किया हुआ है। और बच्चे भी जुम्मा पढ़ने गए थे। ये देखें, मुस्तफ़ा ने शलवार कमीज़ पहनी है, जुम्मा पढ़ के आए, आते ही भूख लग गई तो मैंने कहा जल्दी से ये गरम करके दूं, अभी रोटी बनाने में टाइम था। वो खाना वाना मैंने निकाल के रखा है, खाने में जो है वो रात की सब्जी है, सब्जी इसलिए बच गई कि मैंने स्पैगेटीज बना लिए थे, बच गई। और ये देखें शापर फट गया है। नगेट्स खुद ब खुद मुर्गी निकल निकल के बाहर आ रही है, तो कोई बात नहीं, इसको भी मैं दूसरे शॉपर में डालती हूँ। अभी बच्चे कह रहे हैं हमें नगेट्स बना दें, सब्जी नहीं खानी। भाई सब्जी बनाती क्यों खाने के लिए, सब्जी खाते हैं, पता है क्या करते हैं, हल्का सा सब्जी को टच करते हैं, इससे ज्यादा नहीं, कहीं इनको कोई मसला ना हो जाए। सब्जी क्यों नहीं अच्छी लगती? मेरे को थोड़ी थोड़ी सब्जी अच्छी लगती है, चिकन भी थोड़ा थोड़ा। हाँ तो ज्यादा क्या अच्छा लगता है? मेरे को लगता है फ्रूट, फ्रूट अच्छा लगता है। और ये बच्चा तो खाता ही फ्राई चीजें हैं, चिकन हो गया, रोल्स हो गए, सीख कबाब इसके मोस्ट फेवरेट है। आप अगर दावत करें और सीख कबाब हो तो सीख कबाब की तबाही मचा देंगे। ये वो बच्चा है, वो खुद भी दिखने में सीख कबाब ही लग रहे हो। कुछ काम करने थे, काम वो कुछ रूटीन के ये हैं। ये जो दो ड्रेसेस मैंने आज निकाल ही लिए अल्लाह अल्लाह करके, जो एनिवर्सरी पे गिफ्ट मिले थे, एक ये, इसके साथ स्ट्रॉलर लेना है। और इसके साथ जो है वो मेरे पास एक दुपट्टा रखा हुआ है, ये वाला, जिसे मैं सोच रही हूँ इसी के सेम बेसिक कलर डाई करवा लूँ। और डाई के लिए आज देने जाऊँगी। और मैंने जो दूसरा ड्रेस है उसके साथ स्टॉलर लेने का सोच रही हूँ, तो स्टॉलर देखो अब मुझे कहाँ से मिलेगा। अपने एरिया में तो इतने अच्छे वैरायटी नहीं है, मुझे बाज़ार जाना पड़ेगा और बाज़ार जाने के लिए पता नहीं मेरे पास कोई है या नहीं। और उसके अलावा इब्राहिम के जूते जो हैं वो घिस चुके हैं, चल चल के। इब्राहिम इतना चल के कहाँ गए थे पता है? एक फिल्म थी सुनील शेट्टी की, उसके घिस घिस के ना जूते में सुराख हो गया था अंकल ने। हाँ है ना, ऐसे ही हुआ है ना। वो रिश्ता लेने गया था लड़की का और टांग पे टांग रख के बैठे ना, तो उसके जूतों में सुराख था, अंकल ने उसको रिश्ता नहीं दिया था। समझ आई? आप अपने जूते दिखाओ, घिस घिस से गया, लगे 2 महीने हुए हैं। 2 महीने हुए ना? 1 महीना? 1 महीना तो नहीं, 1.5-2 महीने हुए। यहाँ से पूरी टूट गई और यहाँ से पूरा सुराख हो गया। और ये कोई मान सकता है, यकीन कर सकते हैं कि इसे अभी सिर्फ और सिर्फ 2 महीने हुए हैं? ये कह रहे हैं 1 महीना, पर मैं बामुश्किल 1.5-2 महीना। और इन्होंने पता नहीं क्या किया, ट्यूशन जाते और आते हैं, उसके अलावा तो कहीं नहीं जाते आते। ब्रेक खराब हो गई थी, इससे ब्रेक के मार मार के इसकी ब्रेक फेल कर दी। ब्रेक ठीक भी हो सकती है, पांव से रोक रोक। अरे पांव से रोक रोक के जूता खराब कर दिया, अब जूता ही घिस गया। अब मुझे समझ है भाई भूलू, इतना कौन चलता है, इतना कैसे होता है। A few moments later. मैं खाना रख रही थी, यहाँ पलट के जब मैंने देखा तो ये एक चूहा जो है वो इसको टुक के चला गया। वो चूहा कौन है, है? मुस्फा ने पता ही नहीं चलने दिया, फट से खा ली। मैंने घर पर रोटी बनाई है, मुस्फा ने कहा मुझे घर की रोटी नहीं खानी, मुझे बाजार से जो है वो नान मंगा दो। इब्राहिम गया नान लेने और यहाँ पर ये बर्तन बजा रहे हैं। आ गए। और आप लोग सामने मेरा जो शीशा देख रहे हो ना, ये डेली की बेस पे जितनी दफा भी साफ करूँ ना, ये अभी अभी बच्चों ने हाथ लगाए हैं। आप मुझे इसका हल बता दे कि बच्चों को मैं कैसे तुम्हें सिखाऊं कि मेरे बच्चे शीशे ना गंदे करें। बाकी सब चल जाएगा, शीशे ना गंदे करें। इब्राहिम जनाब आ चुके हैं रोटी लेकर, सबके हैं। कुछ आया है 200 रुपए का किलो। अच्छा आलू 150 रुपए किलो, कितने दिनों के? 150 का 2 किलो। तुम्हें पता है 120 या 130 रुपए किलो चल रहे हैं। सस्ते दे रहा भाई। खैर मैं ले नहीं सकी कि वो आगे चला गया, क्योंकि मुस्तफा फ्राइज वगैरह खाते, नहीं तो मैं उसके लिए ले रही थी। और मैंने अभी आप लोगों के लिए फ्रूट लाना है, फ्रूट घर में कितने दिनों से नहीं आया। ऑरेंजेस आ चुके हैं, ऑरेंजेस लाने हैं, और उसके अलावा बनाना वगैरह। और मिल्कशेक तो आप लोगों ने छोड़ ही दिया है, दो कितने दिन हो गए, 4-5 दिन। तो मैं यही तो बता रही हूँ, मैं फ्रूट लाती नहीं हूँ, तो बनाऊँ कैसे? मैंने रात को भी सोचा था वो कॉफ़ी का बनाने को, कोल्ड कॉफ़ी बनानी थी, और वो फिर बाबा नहीं आए और हम लोग सो गए, है ना। ये वाली पूछल इधर, आप चोरी करी जा रहे हो, इधर आओ, ये पूछल दिखाओ, ये वाली इधर, यहाँ से सीधा यूँ खड़े हो, ये वाली ये सीधा खड़े हो, गुदी गुदी हो रही है, ये यहाँ से बाल लंबे नहीं। और मुस्फा को आज नहला के नीचे शर्ट पे लाई है, तो कैसे लग रहे हैं? अभी इब्राहिम को मैं लेके जाऊंगी उसका जूता दिलवाने। और उसके अलावा यहाँ पर मैंने अपना कपड़े वगैरह निकाल लिए, आज तो लाजमी याद से इसको लेकर जाना। बैग मैंने पहले ही पैक कर दिया, इसमें जो जो चाबियाँ वगैरह डालनी थी सब डाल दी हैं। और मुस्फा को जूते भी बना दिए, आज मैंने सारा काम जल्दी जल्दी करके बस हम जा रहे हैं, सारे काम निबेड़ने।
मेरे घर आ गई थी, यहाँ पर तो चाय ऑलरेडी रेडी थी और ये मेरे ख्याल से पी चुके हैं, मेरी ये रही और यहाँ पर यास्मीन भी आई हुई है और ये देखो फौरन से बाल सही। हुर्रे रा, कैसे हो? ठीक। और आजकल व्लॉग में नहीं आते, मस्ती में लगे हो। बोलो। रबिया ने बहुत जबरदस्त सूट पहना हुआ है, रिवर्स मेरे लिए दुआ करो, मेरे को कच्चा रहा है। भाई की तबीयत ठीक नहीं, आजकल ये घूम रहे हैं और लोग इनको घुमा रहे हैं और ये घूम रहे हैं, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही झूम बराबर झूम। ये कितने हैं सही से बताना? ये 3 है। हाँ वाकई इनको बहुत चक्कर आ रहे हैं। मैं आयु भाई को ये वाला सूट इतना पसंद आ रहा है, बार 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 तारीफ कर रहे हैं, इतनी तारीफ बताओ क्या वजह है? क्या कोई वजह अपने, कोई रीजन होती है ना? गिफ्ट मिले मेरे को पता बहुत ज्यादा तुम्हारे को, और उनमें से गिफ्ट चाहिए मेरे को भी। ये देखे भाई, ये देखे लड़ाई हो रही है मामू के साथ। दो ना भांजे ने मामू को चित कर दिया, मामू से हिला भी नहीं जा रहा, पहले उनको चक्कर आ रहे हैं भाई। मामू को चक्कर आ रहे हैं, ये चक्कर पहले या तो सीधे हो जाएंगे, पहले से भी जाएंगे। और लो बच्चों से मस्तियां पंगे। ये क्या निकाल रही हो? A few moments later आए थे जूते लेने और ये जूते निकाल कर दिखा रहे हैं। यहाँ पर बार्गेनिंग कर रही है मेरी मामा। सही है पहनने में, साइज सही है इब्राहिम? सही है, दिखाएं। अभी ये तो रंग काट होएगा ये। अच्छा, वैसे सही एग्जैक्ट कलर आ जाएगा? जी आ जाएगा। ठीक, कितने दिन लगेंगे ये? तकरीबन 4-3 वाले दिन आपको मिलेगा। और ये मुझे रख के जाना पड़ेगा ट्राउजर? जी। अस्सलाम वालेकुम, ये इंतजार में कि खाला चिज्जी लाएंगी। आ गई आप लोगों की चीजें, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये 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 आ जाओ आ जाओ। अंधेरा कितना किया हुआ है। मैं घर आ गई थी और वापसी में पुलाव का सामान लेकर आई थी, तो आते मैंने चावल भिगो दिए हैं, कुछ चिकन जो है फ्रीजर से निकाला है और आधा किलो में साथ और ले आई थी, तो अभी पुलाव बनाऊंगी चावलों का। सलाद का भी सामान निकाल दिया, साथ साथ सलाद भी बनाऊंगी। और ये कीनू में लेकर आई थी कि बच्चे जो है शौक से खाते हैं, पर बीच में कुछ खट्टे हैं कुछ मीठे हैं। मामला हो चुका है कि आधे खट्टे निकलते हैं आधे मीठे निकलते हैं और मिक्सअप सामान देते हैं। पता नहीं यूज किया, तो सच बता कर दे दो ना कि मीठे हैं तो दे दो, ठीक है तब भी बता दो कि फीके हैं। जो बेचते हैं उनको बोल रही हूँ ले लो ले लो, देखना अगर खट्टा हुआ मत खाना, पहले खांसियाँ लग जाती हैं। इब्राहिम लेने, मुस्तफ़ा ने, चलो ये हम फ्रिज में रखते हैं, जब बच्चों का मूड हुआ बच्चे खा लेंगे। खाना मेरा रेडी हो चुका था, पुलाव बना लिया है, मज़ेदार था, खुशबू बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो ये देखें जी डाल दिया प्लेटों में। और आज मैंने साथ में मज़ेदार सा सलाद बनाया है, मैंने कहा चलें आजकल सलाद खाने को दिल कर, साथ रायता भी, और रायता भी दिल था, पर मसला ये था कि ये लोग जो है ना बिजी थे तो रायता ला के देने वाले, नहीं तो मेरा दिल था रायता भी बना। और आपको एक बात बोलूं, आज आपके बाबा फिर लेट हो जाएंगे। तकरीबन कोई पता नहीं, उन्होंने बोला मेरा इंतजार मत करना, खाना खा लो, वरना मैं अभी इंतजार कर रही होती, पर अब मैं नहीं कर रही क्योंकि उन्होंने बोला 11-12 तो छोड़ो 1-1.5 भी बच सकता है, क्योंकि उनकी शूट के फौरन बाद कोई मीटिंग है तो वहाँ जाना है, जगह जो है उन्होंने प्लान करना, और उसके बाद जो है वो फिर घर आएंगे। तो यहाँ पर अभी हमारा खाना चुके, बिस्मिल्लाह करके खाना खाते हैं। और आप गंदी चीजें खा रहे हो, खाना खाओ, चलो लाओ बिस्मिल्लाह पढ़िए। हमने अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया है, और ये जो बच गई हैं हड्डियाँ ये डॉग को डालते हैं। इब्राहिम इधर आओ, नीचे जल्दी से डॉग को डाल करो, उठ जाओ उठ जाओ, वरना ये रहती रह जाती है, जाओ जल्दी से। और मैं जल्दी जल्दी बर्तन भी उठा लूँ। बॉल दे दो ना, मोबाइल भी अपने ले लिया, बॉल भी अपने ले लिया, वो कैसे खेलेंगे? आंखों में बाल कैसे आ रहे? अच्छा एक मजेदार बात बताऊंगी, तो आप बॉल दे दोगे? एक और बात बताओ, फिर बात बताओ, पहले फिर दूंगा मैं बात बताती हूँ, पहले बॉल दो, पहले बात बताओ, पहले बॉल दो, पहले बात बताओ, पहले बॉल दो, पहले मैं फिर नहीं दूंगा, पहले बात बताओ, पहले बॉल दो, पहले बात बताओ। बात ये है कि मैं आपको आइसक्रीम खिलाऊंगी। बॉल दो, आइसक्रीम खानी है, जल्दी से बॉल भैया को दो। और अभी हम खाएंगे आइसक्रीम, फिर से कहूँ आइसक्रीम खाएंगे, फ्रिज में नहीं पड़ी हुई, अभी भैया लेकर आएंगे। कौन सी सामने वाली शॉप से? अब मुस्तफा का तो गला खराब है, मुस्तफा नहीं खाता। ऐसा करना इब्राहिम, 3 ले आना, मुस्तफा की मत लाना। नहीं, एक गरम आइसक्रीम, एक गरम आइसक्रीम लाना, गरम आइसक्रीम, चलो ठीक है। A few moments later. तो हमारी आ गई आइसक्रीम, ये क्या मल्टी कलर्स की आइसक्रीम लाए हो, ये वाली ऑरेंज में है और ये कलरफुल है। मुस्तफा जल्दी से बताओ आपने कौन सी लेनी, पहले मुस्तफा लेगा? नहीं, अकड़ में, अकड़ बकड़ करो जल्दी से वरना पिघल जाएगी। अकड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 कहाँ पे आए? ओह, तो शॉकिंग पिंक कलर है आपकी, ऑरेंज कलर है, वाह भाई वाह। ओए मेरी 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 अपनी खाओ, अपनी अपनी
अब मैं व्लॉग को एंड कर रही हूँ और बिलाल बहुत ज़्यादा बिजी है, मसरूफ है और मेरे आजकल व्लॉग छोटे छोटे घर के ही हैं, बाहर नहीं जाना, और जैसे ही बिलाल जो है वो फ्री हो जाएंगे कामों से और फिर उसके बाद हम बनाएंगे बाहर के मज़े मज़े के व्लॉग। पर उससे पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और प्रेस दे बेल आइकन भी कर दे ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और उसके अलावा कल का जो प्लान है वो ये है कि बच्चों के स्कूल जाना है, पेरेंट्स मीटिंग भी है और साथ में इनका रिजल्ट भी है। और ये देखो भैया, छोटे भैया ही गाड़ी चला रहे हैं। खैर, मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। जल्दी से लाइक कर दें और अच्छे अच्छे प्यार प्यार कमेंट करें। मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे ना, मम्मा आपको बहुत डांटेंगी।